लिए बड़ी खबर आपको बता दें, किस तरीके से पदकवीरों का देश में स्वागत चल रहा है। जश्न अभी भी थमा नहीं है, अभी भी लगातार लोगों को बधाइयों का संदेश मिल रहा है। हमारे साथ रवि दहिया सीधा जुड़ गए हैं न्यूज नेशन पर एक्सक्लूसिव। आइए जानते हैं उनसे कि अब उनके क्या हैं फ्यूचर प्लान। रवि दहिया कुश्ती की दुनिया का नया उजाला बनकर सामने आए हैं, तमाम पहलवानों के लिए नए रोल मॉडल बने हैं। और इस समय रवि दहिया हमारे साथ हैं छत्रसाल स्टेडियम में। रवि जी, आप बहुत बड़ा मौका है, देश को आपने पदक दिलाया है और आप रोल मॉडल भी बने हैं। ऐसे में आपकी टिप्स और आपसे प्रेरणा लेके बहुत सारे पहलवान सामने आएंगे, क्या इस समय क्या महसूस हो? देखो जी, पहले तो सबको हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूँ मैं, और आप लोगों ने इतना प्यार दिया तो मतलब इतना मतलब पहली बार इतना मतलब खिलाड़ियों को देखने को मिला है, तो बहुत बहुत धन्यवाद सबका। और मैं ये कहना चाहूँगा कि मतलब जो भी है सब बहुत आगे बढ़े और देश हमारा आगे बढ़े और अगले ओलंपिक्स में हम बहुत अच्छा करें। रवि, कल सम्मान समारोह था अशोका होटल में, आपके चेहरे पे एक हमने मलाल देखा, क्या ये तपिश अब सोना पिघला सकती है? देखो जी, अब तो बस यही है जो हो गया वो अब उससे संतुष्ट हम, मतलब पर आगे जो बढ़ेंगे जो अब आप बहुत कुछ करना है इसके लिए तो जी बिल्कुल, हमने देखा कि आपके अंदर एक ये चीज़ है कि गोल्ड लेके आना है अगली बार के लिए। बिल्कुल जी बिल्कुल, हम तैयारी करेंगे इसके लिए कि हम अगली बार देश के लिए गोल्ड मेडल जीते। देखिए, आपकी जब एक पहलवान जब आगे बढ़ते हैं तो जाहिर है परिवार का, सभी कोच का, सबकी मेहनत होती है, पर कोई ऐसा वाक्य आपको याद आता है अपनी लाइफ का? क्योंकि अब आपने रजत जीता तो जो आपको अक्सर जहन में आता होगा कि कितना संघर्ष रहा, कोई एक याद जो आप शेयर करना चाहें पिता की कोच को आप? बिल्कुल जी, देखो मैं लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहा था, 2015 में मैं इंजरी में हो गया था, उस टाइम जो हमारे कोचिज हैं सब इन्होंने मिल को मतलब ऐसी मोटिवेट किया कि भाई देखो समय है, मतलब थोड़ा उतार चढ़ाव चलता रहता है, तो मतलब उन्होंने इस टाइम बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। फिर मैं 2018 में वापस आया, उसके बाद से मैं लगातार अच्छा कर रहा हूं। 2015 में इंजरी के बाद आपने वापसी की? बिल्कुल जी। रवि जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि बहुत सारे पहलवान इंजरी की वजह से उनका करियर ख़राब हो जाता है, तो उसके लिए कोई आप सलाह देना चाहेंगे? क्योंकि कोशिश हजारों लड़के करते हैं, पहलवान करते हैं, कोई कोई रवि दहिया या बजरंग पुनिया बनकर निकलता है, बहुत सारे लोग इंजरी की वजह से रह जाते हैं, कोई ऐसा सुझाव जिससे कुश्ती की जो दुनिया है या खेल है वो आगे बढ़े? देखो जी, बस यही है इसमें तो कि भाई जितना ज़्यादा फोकस होगा आदमी तो इंजरी तो देखो उतार खेल का हिस्सा है, उसमें थोड़ा थोड़ा मतलब उतार चढ़ाव रहता है, तो हमें अपना मन पक्का रहना रखना चाहिए और इसके लिए मतलब हमें तैयार रहना चाहिए हर चीज़ के लिए जी। और जो आपके पिता से आपकी जब आपने मेडल जीता तो सबसे पहले किससे बात हुई है आपकी? देखो जी, सबसे पहले तो जी देखो PM सर का फोन आया था, मैं वहीं पर आया तो सबसे पहले तो उन्हीं से बात हुई थी, पिताजी से तो सर 2 मिनट बात हुई थी, फिर वो भी कई दिन बाद बात हुई थी जी। बिल्कुल। और जब आपने ये पदक जीता है उसके बाद जो तमाम लोगों से आपका मिलना हुआ, और एक सबसे बड़ी बात है जिस रशिया के पहलवान ने जो आपको इंजरी दी थी सेमीफाइनल में, कजाकिस्तान के पहलवान ने, उसने क्या उसके बाद माफ़ी भी मांगी, कोई वो वाला वाक्य? बिल्कुल जी, देखो हम उस टाइम तो हो गया था वो तो, वो देखो खेल है, उसने भी अपना पूरा देना था और मैंने भी, तो अगले दिन हम सुबह मिले वजन के टाइम पे तो उसने मेरे को सॉरी बोला कजाकिस्तान के पहलवान। बिल्कुल जी बिल्कुल जी। तो रवि, अब एक आखिरी सवाल है क्योंकि हम भी अखाड़ों से जुड़े रहे, हमने देखा कि अखाड़ों में बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, जो बच्चे मेहनत करते हैं साधारण परिवारों से, गरीब परिवारों से होते हैं, उनके लिए जो उतनी सुविधाएं नहीं होती, ना डाइट होती है, ना उस तरह का प्रशिक्षण मिल पाता है, क्योंकि आपने एक मुकाम हासिल किया है, कोई ऐसी बात जिससे नए युवाओं को प्रेरणा मिले और उनको सरकार से या अलग अलग संस्थानों से सपोर्ट मिले, कोई ऐसी बात जो आपके जहन में आती है? बिल्कुल, देखो जी, ग्राउंड सपोर्ट पर हमारा अभी जो मिनिस्ट्री है वो काफ़ी काम करना शुरू कर दिया उन्होंने फिलहाल, क्योंकि देखो हमारी फेडरेशन है तो सब जूनियर से मतलब सपोर्ट करती शुरू कर दिया अभी उन्होंने, और मतलब ये कि बस देखो खिलाड़ी है, थोड़ा बहुत तो सहन करना पड़ता है, इतना तो हार्डवर्क है, तो बस यही कहना चाहूँगा मैं कि अच्छी मेहनत करे और टारगेट बना के मेहनत करे और देश के लिए मेडल जीते। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ उनके कोच भी हैं जिन्होंने उनके साथ लगातार मेहनत की, रवि दहिया के साथ मेहनत की, आप हमारे साथ ये अलग अलग कोच हैं, एक बार इनसे बात करते हैं। परवीन जी हैं, नेशनल कोच हैं, परवीन जी क्या इस मौके पर आप कहना चाहेंगे? सर, हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि हमारे सेंटर में 9 साल के बाद जो है ओलंपिक का मेडल आया है, इससे पहले 2012 में सुशील कुमार जी और का मेडल आया था, लेकिन हम गोल्ड की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन वो बाई चांस चलो कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, अगली बार जो पेरिस में हम इसको पूरी करेंगे सर जी। बिल्कुल, अगली बार पूरी करेंगे। और आगे की जो संभावनाएं हैं और प्लेयर्स किस तरह की, रवि की जीत से किस किस को प्रेरणा मिलेगी? सर, रवि की जीत से तो पूरे भारतवर्ष को प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि एक युवा है, 23 साल का युवा है, इसने एक पहला ओलंपिक था उसमें
इसमें जाते ही इन्हें पोडियम पर चढ़ाया, ये अपने आप में एक करिश्मा से कम नहीं है, क्योंकि इस उम्र में बच्चा ओलंपिक के मेडल लेके आता है तो नए जो बच्चे हमारे पास 150 बच्चे करीब हैं वो भी सोचते हैं कि हम भी रवि की तरह ही बने और जाके मतलब ओलंपिक मेडल लेके आए। शुक्रिया। ये इनके पर्सनल कोच हैं जो ओलंपिक टोक्यो में भी उनके साथ थे। आपने रवि के साथ बहुत वक्त बिताया और जब रवि ने ये मुकाम हासिल किया है तो आपकी कुछ यादें होंगी, कितनी मेहनत करते देखा है, कुछ चीज़ें हमारे दर्शकों के साथ शेयर करिएगा। क्या नाम है आपने? मेरा अरुण कुमार है, मैं सेम रवि का और मैं एक ही गांव से हैं। मैं रवि से काफ़ी सीनियर पहलवान था और ये रवि जब छोटा सा था तो हम एक साथ ही एक जैसे पार्टनर रूम पार्टनर होते थे, सेम रहते थे। बहुत बच्चा था तब तो हमें पता भी नहीं था ये है, पर एक टाइम ऐसा कुछ रवि की अचीवमेंट नहीं बन पा रही थी, थोड़ा गड़बड़ 15 का समय बताया उन्होंने। नहीं, एक स्टार्ट था 2007 से 2011 तक। अच्छा। वो समय एक टाइम ऐसा था उसमें रवि की कोई अचीवमेंट नहीं आ पाई।